हाय, मैं अमित, आप मुझे देख रहे हैं पत्रिका पर। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सोन चिड़िया के रिव्यू के बारे में। आज ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक दी है और आज हम बात करेंगे कि आखिर ये फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म कैसी है और आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं। फिल्म में जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत हैं, भूमि पेडनेकर हैं, मनोज वाजपेयी हैं, रणवीर शौरी हैं, तो वहीं कुछ एक कह सकते नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं आशुतोष राणा। अब फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं इसके टाइटल के इर्द गिर्द घूमती है। जो टाइटल सोन चिड़िया है, इसके कई एक मतलब निकाल हम सकते हैं। सबसे पहला मतलब तो एक सोने की चिड़िया है जिसे सभी पाना चाहते हैं, लेकिन सभी के ये हाथ में आती नहीं है। बहुत मुश्किल होता है इस सोन चिड़िया को हासिल करना। तो वही दूसरा मतलब ये भी है कि जो आप अपने जिंदगी में चाहते हैं, आपके जो मंसूबे होते हैं, आपकी जो चाह होती है, उसी चाह का दूसरा नाम है सोन चिड़िया। तो इस फिल्म में सभी किरदार अपनी अपनी सोन चिड़िया को पाना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो कि फिल्म में लखना नाम के बागी का किरदार निभा रहे होते हैं, वो भी जो पूरी जिंदगी पाप किए होते हैं या दूसरे लोगों को मारे होते हैं या फिर जो इस डर के साए में जिंदगी जी रहे होते हैं, उससे वो आजादी चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोज वाजपेयी जो कि मान सिंह का किरदार निभा रहे होते हैं, वो डाकुओं के एक गिरोह के सरदार होते हैं, सभी उनका कहना मानते हैं। उनकी भी चाह होती है कि जो उन्होंने सब कुछ अपने जिंदगी में काम किया हुआ है, उससे वो मोक्ष चाह रहे होते हैं। वही भूमि पेडनेकर जो कि हाउसवाइफ भी होती है लेकिन बंदूक चलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। तो वही आशुतोष राणा भी हैं जो कि फिल्म में एक नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं और वो चंबल को पूरी तरीके से साफ करना चाहते हैं। और कई बार उनके डाकुओं से मुठभेड़ होती है, उनके फिल्म में डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। तो वहीं अगर एक्टिंग के बारे में बात करें तो आशुतोष राणा की एक्टिंग फिल्म में काफी अच्छी है। हर बार वो निगेटिव किरदार में अपना सिक्का जमा जाते हैं और इस फिल्म में भी उनके डायलॉग्स, उनका जो एक कह सकते हैं आंखों के से जो वो एग्रेशन पैदा करते हैं, वो भी काफी अच्छा है। वही अगर मनोज वाजपेयी के बारे में बात करें तो दर्शकों को सबसे ज्यादा जो किसी की एक्टिंग पसंद आई है वो है मनोज वाजपेयी। वजह है कि जो उनका किरदार है वो अपने किरदार को काफी अच्छे से प्ले कर जाते हैं और लोगों के बीच डर भी बैठा जाते हैं, अपने गिरोह में उनका दबदबा भी है। तो वही अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर की, तो सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर दोनों की एक्टिंग मानी जा रही है कि इस फिल्म में एवरेज है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म कहीं ना कहीं अपनी पटकथा की वजह से ड्रैग करता नजर आ रहा है। फिल्म का जो टाइम ड्यूरेशन है वही कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव पक्ष बन गया है। अभिषेक चौबे ने काफी कोशिश तो की लेकिन अपनी कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से वो इस फिल्म को बचा नहीं सके। दर्शकों से भी काफी नेगेटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। दिग्गज कलाकार इस फिल्म में रहे हैं लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से वो भी कुछ खास नहीं कर सके हैं। फिल्म के कुछ एक नेगेटिव और पक्ष के बारे में बात करें तो पहले से ही इस फिल्म में कुछ खास गाने नहीं थे। हालांकि वो पटकथा से मेल जरूर खाते हैं लेकिन फिल्म के गाने ऐसे नहीं है जो कि आप हॉल से निकलने के बाद गुनगुना सके। ये फिल्म खास तौर पे एक खास दर्शक वर्ग के लिए है, ना कि मास के लिए। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट को देखना चाहते हैं, अगर आप चंबल की घाटियों से रूबरू होना चाहते हैं और जो चंबल के आसपास की जो लैंग्वेज है उसे सुनना चाहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जमीन से जुड़ी हुई पटकथा या कहानी एक्टिंग देखना चाहते हैं, तभी आप इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। हालांकि फिल्म में गोलीबारी भरपूर है, गाली गलौज भी भरपूर है, कुछ एक डायलॉग्स ऐसे हैं जिसे सुनकर आप ये जरूर सोच सकते हैं कि आखिर किसके साथ ये फिल्म देखनी चाहिए। तो पत्रिका की ओर से हम इस फिल्म को देना चाहेंगे 2.5 स्टार्स। तो एंटरटेनमेंट जगत की खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव